इंग्लिश के गाने के जरिए जो इंग्लिश में आ रहा था खेलो खेल और दोनों नशा, उस पैगाम को जो अपने साथ लेकर के अपने साथियों से जरूर साझा करेंगे। और यही जिम्मेवारी इन बच्चियों के लिए भी है और ये भी इस पैगाम को आगे लेके जाएंगे। दोस्तों आज सबसे बड़ा दुश्मन अगर अपना पहचानना चाहते हैं इस वक्त तो मुझे लगता है कि मिल्टन सी से ज्यादा बड़ा दुश्मन नशा हो गया है। मिल्टन सी आतंक दहशत गर्दी इंडिविजुअल्स को निशाने पर लेती है, जबकि नशे की वबा जो है वो परिवारों को समाज को पूरे को पूरे को बर्बाद करती है। और आज अगर संभले नहीं और सही रास्ता चुना नहीं तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो नौजवान ऊर्जावान चेहरे जो है उनकी कमी नजर आएगी, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इसलिए आप सब और समाज के साथ ही मिलकर के इस दिशा में जरूर अपने कदम उठाएं कि हम लोग नशे की वबा को, जिसकी सप्लाई लाइन उससे वहीं से शुरू हुई है जहाँ से हथियार आया करते थे, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे ये नशा भी पाकिस्तान से आ रहा है। पंजाब में जब मिल्टन सी आखिरी लोगों पर पहुंची अपना दम तोड़ रही थी, पंजाब के नौजवान बच्चों को तोहफा भेजा पाकिस्तान की तरफ से नशे का। पर अब जब जहां हम उसको छोड़ करके उस चीज को आगे निकलना चाहते हैं तो हमारे बच्चों के लिए वो तोहफा यहाँ पर आकर खुले रूप में काफी हद तक अवेलेबल है। अब इस टारगेट को किस हद तक आप लोग नाकाम कर सकते हैं, किस हद तक पहचान सकते हैं, ये अपनी काबिलियत होगी, ये आप लोगों को खुद करना होगा। मैं ये बात इस हवाले से भी कह रहा हूँ कि पंजाब में जो नशे की तस्करी हो रही है उसका पैसा लौट करके यहाँ पर मिल्टन सी के लिए आता है। नशे का और दहशतगर्दी का आपस में बड़ा तेजी लाता है और इस नाते को भी आप लोगों को पहचानना जानना बहुत जरूरी होगा।